आज हम बनाएंगे गर्मियों में आने वाली स्पेशल कटहल की सब्जी, आसान और मजेदार तरीके से। कटहल काटने से पहले हाथों में अच्छे से सरसों का तेल लगाकर काटें, क्योंकि इसमें चिपचिपाहट होती है तो तेल लगाने से हाथों में उतना नहीं चिपकेगा। तो कुकर में ले लेते हैं पानी, डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और कटा हुआ कटहल। अब यहाँ मैं ले लूंगी 3 मीडियम आलू, बीच से काट कर कटहल के साथ ही बॉईल होने के लिए रख दूंगी। पानी उतना ज्यादा नहीं डालना है कटहल बॉईल करने के लिए। हाँ, आलू को एक बार अच्छे से धो ले। अब 2 सीटी आने तक इंतजार करेंगे और इसी बीच हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और मिक्सर जार में 1 बड़ा कटा हुआ प्याज, 15-20 लहसुन के टुकड़े, कटा हुआ अदरक और 2 हरी मिर्च जिन्हें मैंने बीच में से तोड़ लिया है, और इन्हीं सभी चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर पेस्ट बनाकर साइड में रख लेंगे। लीजिए, 2 सीटी आ गई है और कुकर भी ठंडा हो गया है। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं कटहल और आलू कितने पके हैं। और ये देखिए, कटहल हो गए हैं सॉफ्ट और आलू भी सॉफ्ट हो गया है। हमें 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि जब हम सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी कटहल पकेगा। अब छान लेते हैं और इनमें से मैं आलू निकाल लूँगी और छिलकर साइड में रख दूँगी, और बॉईल किया हुआ पानी मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स है जो मैं सब्जी में यूज़ करने वाली हूँ। लो, अब एक पैन में ले लेते हैं सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें हम कटहल फ्राई करने वाले हैं। तो तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे बॉईल किया हुआ कटहल, लेकिन हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले लूंगी 2 बड़े साइज का प्याज और इन्हें मैं लंबे टुकड़ों में काट लूंगी। लंबे टुकड़ों में काटने के बाद फिर से उसी पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर दूंगी, और तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दूंगी 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 1 टीस्पून 5 फोरन, 2 तेज पत्ते और 3 सूखी हुई लाल मिर्च। अब सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज, और प्याज भी हम अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। लीजिए, अब प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और इसमें ऐड कर देंगे मिक्सी में पिसा हुआ मसाला जो हमने शुरू में ही पीस के रख लिया था। अब सारे मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद डाल देंगे इसमें 2 बड़ा कटा हुआ टमाटर, और टमाटर डालने के बाद ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक हमने कटहल बॉईल करते समय भी डाला था, तो ध्यान में रखिएगा कि नमक ज्यादा ना हो। अब नमक डालने के बाद हल्का सा पानी मिलाकर पैन का ढक्कन लगा देंगे और पकने देंगे कम से कम 1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए। एक मिनट हो गया है और पैन का ढक्कन हटाकर देख लेते हैं, और ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैश कर लेते हैं, इसके बाद ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।
अब सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए मैंने कितना कम तेल यूज किया है। देखिए एक गिलास से थोड़ा सा कम कटहल बॉईल किया हुआ पानी मैंने बचा लिया था, जिसमें से थोड़ा सा पानी मैं अभी डाल दूंगी और मसाला अच्छे से पका लेंगे। और पकने के बाद ये देखिए पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। अब गरम मसाला सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू और इसे मैं हाथों से मैश करके ही डालूंगी, काटूंगी नहीं। अब फिर से सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें डाल देंगे बचा हुआ कटहल बॉईल किया हुआ पानी और अलग से मैं आधा ग्लास पानी और ऐड कर दूंगी। अब फाइनली हम इसमें डाल देंगे कटहल और सब्जी को हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि कटहल और आलू हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे। अब पैन का ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए सब्जी पका लेंगे, कम से कम 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और ये देखिए सब्जी ऑलमोस्ट बन चुकी है और अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और ये लीजिए मसालेदार रसेदार कटहल की सब्जी हो गई है रेडी। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। अब आप भी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने जो कटहल की सब्जी बनाई है वो कैसी बनी है। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो कनेक्ट विद रेन को फॉलो कर ले। बाय बाय। लास्ट में एक बात जरूर बताना चाहूंगी, जब आप मसाले डालते हैं तो उस वक्त इसमें 1 टीस्पून चिकन मसाला भी डाल सकते हैं क्योंकि चिकन मसाला में चिकन नहीं होता है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डालें या ना भी डालें।